अब हम जानेंगे कि गिब्स मुक्त ऊर्जा एवं साम्यावस्था में क्या संबंध है। किसी भी उत्क्रमणीय प्रक्रम में अभिक्रिया दोनों तरफ होती है, यानी यहाँ पर अभिकारक से उत्पाद बनने की दर और उत्पाद से अभिकारक बनने की दर, ये सभी इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर एक साम्यावस्था की स्थिति बनी होती है। तो यदि हम देखें कि तंत्र हमेशा परिवेश के साथ यदि साम्यावस्था की स्थिति में है या उत्क्रमणीय स्थिति में है, तो यहाँ पर अभिक्रिया साथ साथ होती है और एक साम्यावस्था की स्थिति बनी रहती है। तो अभिक्रिया जब दोनों दिशाओं में होती है, मुक्त ऊर्जा में कमी के साथ वो चलेगी, जो कि असंभव होगी। इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर अमोनिया बनने का हैबर मेथड लिया गया है, जहाँ पर शुद्ध नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ शुद्ध अमोनिया है, और यहाँ पर मुक्त ऊर्जा एवं जो साम्यावस्था है उसके मध्य एक यहाँ पर ग्राफ बनाया जा रहा है। तो जैसे जैसे यहाँ पर देखिए मुक्त ऊर्जा परिवर्तन में कमी हो रही है, इधर भी मुक्त ऊर्जा परिवर्तन में कमी होती है, तो एक साम्यावस्था की स्थिति यानी एक साम्य मिश्रण यहाँ पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर Q बराबर K होगा, तब जाकर डेल्टा G इक्वल टू शून्य होगा। तो ये बीच की स्थिति हो गई, और दोनों तरफ यदि हम देखेंगे तो Q लेस देन K और Q ग्रेटर देन K। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट को एक शो कर रहा है, तो Q इज लेस देन K और Q इज ग्रेटर देन K की स्थिति में यहाँ साम्यावस्था नहीं बनेगी, लेकिन जब Q इक्वल टू K होगा तो डेल्टा G की वैल्यू भी शून्य आएगी, यानी साम्यावस्था की स्थिति बनती है। तो हम ये देख रहे थे कि अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है तो मुक्त ऊर्जा में कमी के साथ चलती रहती है, तो ऐसा संभव नहीं हो पाता है। ये तभी संभव हो पाता है जब साम्यावस्था पर तंत्र की मुक्त ऊर्जा न्यूनतम हो। जैसा कि हमने इस उदाहरण में देखा कि मुक्त ऊर्जा किस परिस्थिति में डेल्टा जी का मान शून्य हो रहा है, यानी यहाँ साम्यावस्था की स्थिति बनी हुई है। तो इसे हमने देखा ग्राफ के आधार पर। अब हम इसे थोड़ा सा गणितीय रूप देते हैं कि यदि कोई अभिक्रिया साम्यावस्था में है तो मान लेते हैं कि ए और बी से C और D बनता है, तो A और B अभिकारक और C और D उत्पाद। इसी तरह से C और D से A और B का बनना, तो C और D अभिकारक होगा और A और B उत्पाद होगा। तो अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर जब दोनों बराबर होती है तो एक साम्यावस्था की स्थिति होती है। तो यहाँ एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया को हम दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर जो डेल्टा जी का मान है वो शून्य है जब साम्यावस्था की स्थिति है, तो सूत्र होगा डेल्टा आर जी। तो जो डेल्टा आर लिखा गया है यहाँ पर इस अभिक्रिया के लिए जो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है, दूसरा हम ले रहे हैं कि डेल्टा आर जी नॉट, तो ये मानक अवस्था में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को दर्शाता है। जब भी हम मानक अवस्था की बात करते हैं तो 298 केल्विन टेम्परेचर एक वायुमंडली दाब पर यदि मुक्त ऊर्जा है तो उसे हम कहेंगे मानक अवस्था में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। तो डेल्टा आर जी नॉट के रूप में इसे लिखा गया है, प्लस आर टी लॉग के, तो लॉग यहाँ नेचुरल है इसलिए ln के फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो चूंकि डेल्टा जी का मान शून्य है तो डेल्टा जी का मान शून्य रख देंगे और बराबर डेल्टा आर जी नॉट प्लस आर टी लॉग के। तो यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे, डेल्टा आर जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी ln के यानी लॉग के, और यदि लॉग का 10 आधार लिया जाएगा तो डेल्टा जी बराबर माइनस 2.303 आर टी लॉग 10 के। तो यहाँ 10 बेस लेने पर सामने 2.303 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो इस तरह से एक हमें गणितीय व्यंजक प्राप्त होता है जहाँ पर हम के मान के आधार पर यानी साम्यावस्था स्थिरांक के आधार पर डेल्टा जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हमें यहाँ पर आर की वैल्यू पता है, आर यानी गैस स्थिरांक, टी टेम्परेचर भी यदि हमें पता है और के का मान पता है तो हम डेल्टा जी का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन पर आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर निम्न अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी जीरो यानी डेल्टा जी जीरो मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है, इसकी गणना कीजिए। N2+3H2=2NH3। यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है -91.8 किलो जूल, डेल्टा एस नॉट की वैल्यू दी हुई है -198 जूल पर केल्विन।
गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण के आधार पर जो मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है वह है डेल्टा जी ज़ीरो इक्वल टू डेल्टा एच ज़ीरो माइनस टी डेल्टा एस ज़ीरो। यहाँ पर हम डेल्टा जी ज़ीरो या डेल्टा एच ज़ीरो या डेल्टा एस ज़ीरो जो भी लिखते हैं ये सभी मानक अवस्था को शो करता है। तो डेल्टा जी ज़ीरो इक्वल टू डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है माइनस 91.8 माइनस टी की वैल्यू है 298 इंटू डेल्टा एस नॉट की वैल्यू दी हुई है माइनस 198। 298 और 198 दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू प्राप्त हुई वो है 59004। अब यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू है माइनस 91.8, तो माइनस 91.8 प्लस 59004 को जब हम हल करेंगे तो अब हमारे पास जो मान प्राप्त होगा, चूँकि यहाँ पर हम किलो जूल को पहले जूल में परिवर्तित करेंगे तो 91.8 को जब हम जूल में परिवर्तित करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू प्राप्त होगी माइनस 91800 प्लस 59004। हल करने पर जो मान प्राप्त होगा वह है माइनस 32796। अब इसे यदि हम फिर से किलो जूल में परिवर्तित करना चाहेंगे तो हम इसे 1000 से डिवाइड कर सकते हैं तो जो मान प्राप्त होगा माइनस 32.796 किलो जूल। अगला प्रश्न है अभिक्रिया 2A जो कि गैसियस स्टेट में है प्लस B गैसियस स्टेट इज इक्वल टू 2D गैसियस स्टेट के लिए डेल्टा यू नॉट इक्वल टू माइनस 10.5 किलो जूल एवं डेल्टा एस नॉट इक्वल टू माइनस 44.1 जूल पर केल्विन है। अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी ज़ीरो की गणना कीजिए और यह बताइए कि क्या यह अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित हो सकती है। तो स्वतः प्रवर्तिता के लिए यह आवश्यक होता है कि डेल्टा जी का मान ऋणात्मक प्राप्त हो। तो हम इस प्रश्न को जब हल करेंगे तो हमें हल करने के बाद ये चेक करना है कि डेल्टा जी का मान ऋणात्मक आएगा या धनात्मक। यदि ऋणात्मक आएगा तो अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होगी और यदि धनात्मक आता है तो अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित नहीं होगी। तो चूंकि इस समीकरण में सभी गैसियस मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं तो जब हम डेल्टा एन जी ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर उत्पाद में 2D है तो 2 माइनस और अभिकारकों में देखिए 2A प्लस B है यानी 2A और 1B तो ये हो गया 3। तो गैसों के यहाँ पर गैसीय अणुओं की संख्या हो गई 3 तो 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1। डेल्टा एच नॉट इक्वल टू डेल्टा यू नॉट प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो ये जो समीकरण है यह एंथैल्पी आधारित प्रश्न है। इस समीकरण से पहले हम डेल्टा एच प्राप्त करेंगे उसके बाद हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले डेल्टा एच का मान यहाँ पर ज्ञात करना है तो डेल्टा यू की वैल्यू दी हुई है माइनस 10.5 प्लस चूँकि यहाँ पर मोलों की संख्या माइनस 1 है इंटू आर की वैल्यू 8.314 इंटू 10^-3 इंटू 298। अब जब हम इसे हल करेंगे तो वैल्यू आती है माइनस 10.5 माइनस 2.48। सभी हल करने के बाद ये मान प्राप्त हुआ और डेल्टा एच की वैल्यू हमें प्राप्त होगी क्योंकि दोनों ही वैल्यू माइनस में है माइनस 10.5 और माइनस 2.48 दोनों को जब हम हल करेंगे तो मान प्राप्त होगा माइनस 12.98 किलो जूल। गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण के अनुसार डेल्टा जी ज़ीरो इक्वल टू डेल्टा एच ज़ीरो माइनस टी डेल्टा एस ज़ीरो। यहाँ इसे हम नॉट के फॉर्म में भी पढ़ते हैं, ज़ीरो के फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं। डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पर निकालने के लिए डेल्टा एच का मान हम रखेंगे माइनस 12.98 माइनस टी 298 है टेम्परेचर और डेल्टा एस का मान यहाँ पर दिया हुआ है 44.1 जूल पर केल्विन। तो अब हम इसे इस तरह से हल कर सकते हैं 44.1
यहाँ पर ले सकते हैं इंटू 10^-3। तो जब हम इसे हल करेंगे तो मान प्राप्त होगा -12.98 + 13.14। हल करने पर जो मान प्राप्त हुआ वह है 0.16 किलो जूल। क्योंकि यहाँ डेल्टा जी का मान धनात्मक प्राप्त हुआ तो अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित नहीं होती है। अगला प्रश्न है, 298 केल्विन पर अभिक्रिया 2A + B = C के लिए डेल्टा एच का मान है 400 किलो जूल पर मोल एवं डेल्टा एस इक्वल टू 0.2 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। डेल्टा एच एवं डेल्टा एस को ताप विस्तार में स्थिर मानते हुए बताइए कि किस ताप पर अभिक्रिया स्वतः होगी। डेल्टा एच बराबर 400 किलो जूल पर मोल है, तो चूंकि किलो जूल पर मोल है इसको हम चेंज कर सकते हैं जूल में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 400 इंटू 10^3 1000 को हम इस तरह से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो 400 इंटू 10^3 जूल पर मोल। डेल्टा एस की वैल्यू भी किलो जूल में दी हुई है, तो यहाँ पर हम 0.2 किलो जूल पर केल्विन पर मोल है, इसे भी हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 जूल पर केल्विन पर मोल होगा। मान रखेंगे जब हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण में, तो देखिए डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा जी। डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज लेसर देन ज़ीरो, और यहाँ यदि हम टी का मान ज्ञात करते हैं, टी इज ग्रेटर देन बाय डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। तो डेल्टा एच और डेल्टा एस के अनुपात से जो टेम्परेचर का मान है वह ज़्यादा प्राप्त होता है। टेम्परेचर को जब हम निकालते हैं तो ये प्राप्त होता है 400 इंटू 1000 जो कि यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू है, और डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ प्राप्त हुई है 2000। तो जब हम इसे हल करते हैं तो टेम्परेचर का मान प्राप्त हुआ तो 200 केल्विन से ज़्यादा, 200 केल्विन के ऊपर यह प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित होगा। तो यहाँ पर 200 केल्विन से अधिक टेम्परेचर की वैल्यू जब प्राप्त होगी तब ही हमें यहाँ पर निगेटिव वैल्यू प्राप्त होगी डेल्टा जी के लिए। तो 200 केल्विन के ऊपर ही यह प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित होगा, क्योंकि जब हम डेल्टा जी की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो वहाँ पर डेल्टा जी का मान निगेटिव प्राप्त होता है। तो निगेटिव प्राप्त होगा तभी प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित होता है। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम को नर्न्स्ट वैज्ञानिक ने दिया, इसलिए इसे नर्न्स्ट लॉ भी कहा जाता है। उन्होंने ये समझा कि जो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में कहा गया कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार बढ़ती जा रही है स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम के लिए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस आधार पर जब उन्होंने सोचना प्रारंभ किया तब ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम की व्युत्पत्ति हुई। इसमें उन्होंने देखा कि चूंकि ब्रह्मांड की एंट्रोपी लगातार बढ़ती जा रही है, इसका संबंध एंट्रोपी से है, अव्यवस्था से है, तो जैसे जैसे किसी भी तंत्र की अव्यवस्था बढ़ती है एंट्रोपी का मान बढ़ता जाता है। तो यदि द्रव से ठोस में जाते हैं तो यहाँ एंट्रोपी में कमी होती है, और द्रव से गैस में जाते हैं तो एंट्रोपी में वृद्धि होती है। तो यदि हम इसे बहुत कम टेम्परेचर करके देखें तो क्या होगा। तो इस आधार पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि परम शून्य टेम्परेचर पर जो शुद्ध क्रिस्टली पदार्थ होते हैं तो उसके लिए एंट्रोपी का मान भी शून्य होगा, क्योंकि जो क्रिस्टली पदार्थ होते हैं उसमें अणुओं की जो व्यवस्था होती है बहुत अधिक आकर्षण बल से ये अणु आपस में जुड़े होते हैं, तो चूंकि यहाँ व्यवस्था अधिक होती है तो एंट्रोपी का मान शून्य होगा। इसी नियम को उन्होंने स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया कि किसी भी आदर्श एवं संपूर्ण क्रिस्टली ठोस की जो एंट्रोपी होगी परम शून्य तापमान पर शून्य होती है।
तो परम शून्य जो है वो यहाँ पर जीरो केल्विन टेम्परेचर हम कह सकते हैं, या -273 डिग्री सेंटीग्रेड के रूप में ले सकते हैं इसे। तो जो परम शून्य टेम्परेचर है वो जीरो केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड को शो करता है। एंट्रोपी परिवर्तन को यदि हम आदर्श गैस के लिए लेंगे, तो किसी आदर्श गैस के लिए जो शून्य केल्विन पर या परम शून्य तापमान पर उसकी जो एंट्रोपी होती है वह भी शून्य होती है। ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम के आधार पर किसी भी पदार्थ के लिए एंट्रोपी की गणना की जा सकती है। तो यदि हम एंट्रोपी की गणना करते हैं तो शून्य तापमान पर कितनी एंट्रोपी है और टी तापमान पर कितनी एंट्रोपी है, तो यह अंतर भी हमें जानना है, क्योंकि एंट्रोपी का अकेले निर्धारण कर पाना संभव नहीं है, यह एक अवस्था फलन होती है। तो एंट्रोपी अवस्था फलन है जो कि प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करती है। तो शून्य केल्विन पर और टी केल्विन पर, यानी शून्य और टी के बीच जो एंट्रोपी में परिवर्तन हो रहा है उस आधार पर हम एंट्रोपी परिवर्तन की गणना कर सकते हैं। तो इसी के आधार पर हम एंट्रोपी की गणना को समझ सकते हैं। तो इसके लिए देखिए कि एस जीरो इक्वल टू जीरो, यानी शून्य केल्विन पर जो एंट्रोपी होगी वह शून्य है, क्योंकि ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम में हमने यही जाना। और डेल्टा एस इक्वल टू एस टी, यदि हम टी टेम्परेचर पर एंट्रोपी परिवर्तन लेंगे तो वह होगा डेल्टा एस। तो एस टी बराबर डेल्टा एस, तो यहाँ जीरो से टी टेम्परेचर पर परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ समाकलन लिए सी पी डी टी अपॉन टी। तो यहाँ पर जो सी पी डी टी अपॉन टी है, यदि हम इसका समाकलन करते हैं तो सी पी चूँकि एक स्थिरांक वैल्यू है तो इसको समाकलन नहीं होगा, तो ये सी पी बाहर होगा, तो लॉग टी। तो इस रूप में हम टी टेम्परेचर पर किसी भी पदार्थ की एंट्रोपी की गणना कर सकते हैं। इसे जब हम एक ग्राफ से समझते हैं तो सी पी अपॉन टी और टी के मध्य एक ग्राफ खींचा गया। तो जब सी पी अपॉन टी और टी के मध्य ग्राफ खींचा गया तो शून्य और टी केल्विन के वक्र के बीच का जो क्षेत्र होता है वह टी टेम्परेचर पर एंट्रोपी को दर्शाता है। अर्थात इस क्षेत्र में जो एंट्रोपी है वही उस पदार्थ की एंट्रोपी होगी। शून्य एवं टी टेम्परेचर के बीच जो भी क्षेत्र हमें प्राप्त हुआ है यही उस पदार्थ की एंट्रोपी को शो करता है। तो इस ग्राफ के द्वारा हम किसी भी पदार्थ की एंट्रोपी की गणना जो करते हैं इसे हम समझ सकते हैं। तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है, द्वितीय नियम है, तृतीय नियम है, तो ये सभी जो नियम है इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये प्रकृति में बहुत सारी घटनाओं के साथ जुड़ा हुआ है और आगे भी यह जुड़ा रहेगा ऐसा विश्वास है। तो ऊष्मागतिकी के नियम से संबंधित जो भी धारणाएँ हैं वो अब तक सही पाई गई हैं।